पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद की खबरों के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने अपने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद सांपला ने उन सभी खबरों को बेबुनियाद बताया जिनमें कहा जा रहा था कि सांपला टिकटों के बंटवारे में अपने लोगों की अनदेखी से बेहद नाराज हैं और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। सांपला ने कहा कि वे पंजाब में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नाराज होने जैसी सभी खबरें झूठी हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। दरअसल इससे पहले सांपला के करीबी सूत्रों ने बताया था कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री दोनों ही पदों से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस बारे में उन्होंने बीजेपी आलाकमान को अपनी नाराजगी और मंशा दोनों ही जाहिर भी कर दी थी, लेकिन आज सांपला ने इन तमाम खबरों को नकार दिया। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले साल अप्रैल में विजय सांपला सहित 5 राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले थे। पंजाब में केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। सांपला होशियारपुर से सांसद हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने इस्तीफे की खबरों को दरकिनार कर दिया है। जाहिर सी बात है कि अगर ये खबर पक्की होती तो यह पंजाब में बीजेपी के लिए बड़ा झटका होता, लेकिन फिलहाल सांपला ने तमाम खबरों को अफवाह करार दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।